दिल्ली के दिल में स्थित एक क्लब है। उस क्लब का नाम भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी और तब से इन्हें मुख्यालय के तौर पर विंडसर पैलेस लुटियंस दिल्ली में जगह दी गई थी, परंतु इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के राजनयिकों के लिए डिनर होस्ट करने के लिए किया जा रहा था। अब सरकार ने इस क्लब से विंडसर पैलेस को खाली कर बकाया किराया चुकाने का आदेश दिया है। नमस्कार, TFI पर स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक भारतीय महिला प्रेस क्लब लुटियंस दिल्ली में आवंटित बंगले का इस्तेमाल पाकिस्तान के डिप्लोमेट के लिए फेयरवेल पार्टी आयोजित कर रहा था और अब कैसे मोदी सरकार ने इस क्लब से इस बंगले को खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स यानी IWPC को 30 लाख रुपए का बकाया किराया चुकाने और परिसर छोड़ने का आदेश दिया। बता दें कि IWPC एक पंजीकृत सोसाइटी है जो महिला पत्रकारों को नेटवर्क के लिए एक मंच प्रदान करने, समाचार स्रोतों तक पहुंचने, उनके कौशल को बढ़ाने, सूचनाओं का आदान प्रदान करने, मुद्दों पर चर्चा करने तथा किसी समस्या में महिला पत्रकारों के लिए समर्थन प्रदान करने का दावा करती है। 3 साल या उससे अधिक के अनुभव वाली कोई भी महिला पत्रकार इसकी सदस्य बन सकती है। वर्तमान में उनके वेबसाइट पर सदस्यों की सटीक संख्या का उल्लेख नहीं है, लेकिन उनके अनुसार यह संख्या 800 से अधिक है। हाल ही में IWPC ने पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए एक विदाई पार्टी का आयोजन किया था जो ISI एजेंटों की भर्ती के लिए कुख्यात हैं। इसी तरह की पार्टी के पीछे का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन जो तस्वीरें फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही हैं उनमें पाकिस्तानी राजनयिकों के साथ कई खुश चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर लिया है जब इस क्लब द्वारा पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए डिनर होस्ट किया गया था। आदेश के तुरंत बाद कई वामपंथी संगठन और विपक्षी दल अवश्य ही क्षुब्ध होंगे, किंतु पाकिस्तानी एंगल के कारण अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। बहुत से लोग इस संस्था द्वारा आयोजित पार्टी का विरोध कर रहे हैं और इसे देश हित के खिलाफ बता रहे हैं। होना भी चाहिए, आखिर पाकिस्तान का सवाल है। लेफ्ट लॉबी को कैंसल कल्चर के लिए जाना जाता है। वो किसी भी मुद्दे की सच्चाई तमाम संज्ञाओं और सर्वनामों के बीच छिपा ले जाते हैं। वो यह जरूर बताएंगे कि कैसे यह कदम महिला पत्रकारों पर हमला है, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि आवंटित स्थान केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नोटिस के अनुसार IWPC को आवंटन 13 मई 1994 को किया गया था और कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही इसे 6 जनवरी 2021 से रद्द कर दिया गया था। इस तरह के संगठन जो महिला अधिकारों और महिला पत्रकार की सुरक्षा की वकालत का दावा करते हैं, वे भी अपना पक्षपाती एजेंडा दिखाते हैं जब कोई चीज उनके अपने एजेंडे के अनुरूप नहीं होता। जब कांग्रेस समर्थक और NDTV की पूर्व रिपोर्टर बरखा दत्त 74 लाख की मुआवजे की राशि को लेकर कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रोमिला सिब्बल के खिलाफ अपना केस लड़ रही थी, तो IWPC से किसी ने भी उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। इसका एक कारण बरखा दत्त का स्टैंड भी हो सकता है, जहां उन्होंने बताया था कि कपिल सिब्बल ने बड़े पैमाने पर छटनी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहा था। हालांकि स्वयं बरखा दत्त ने यह बताया था कि मोदी सरकार ने संचालन कार्य में किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया है। यही नहीं, जब ANI की पत्रकार जयमाला बागची पर हमला हुआ था तब भी IWPC चुप थी। तब स्नैचर्स ने उनका फोन छीन लिया था और उसे ऑटो रिक्शा से बाहर फेंक दिया था। वहीं कर्नाटक की एक महिला रिपोर्टर पर हमला होने पर भी IWPC ने चुप्पी साध रखा था। तब मामले के अनुसार हसन बाबू और रहमान 4 अवैध कसाई घर चला रहे थे। यही नहीं, रिपब्लिक टीवी की पत्रकार पर हमला होने पर IWPC चुप रही थी। IWPC वैसे कई संगठनों में से एक है जो अपने अभिजात्य विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं और कल्याण करने का दावा करते हैं, लेकिन अंत में वे भी अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। अब मोदी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें दिए गए विंडसर पैलेस को खाली करने तथा बकाया राशि को जमा करने का आदेश दिया है। अब सरकार को इस बात पर भी जांच करने का आदेश देना चाहिए कि महिला पत्रकारों के इस क्लब का पाकिस्तान के राजनयिकों से क्या लिंक है और इस फेयरवेल पार्टी का कहीं देश विरोधी गतिविधियों से तो संबंध नहीं है।